हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन किरमी। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और उस टॉपिक का नाम है दृष्टि दोष। सबसे पहले ये समझिए कि दृष्टि दोष कहते किसे हैं। देखिए, दृष्टि दोष का मतलब होता है देखने में दोष आ जाए। हम अपनी आँख से देखते हैं, अगर उसमें कोई बीमारी आ जाए, दोष आ जाए, उसी को बोला जाता है दृष्टि दोष। और फिजिक्स में मेनली तीन प्रकार का दृष्टि दोष होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष को हम लोग बाद में समझेंगे, सबसे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले समझिए निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष में हमें नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु हम साफ साफ और क्लियर नहीं देख पाते हैं, इसीलिए इस दोष को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। आप लोगों को लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष नाम है तो इसमें नज़दीक की वस्तु ना नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भले ही इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। आप लोग सुने होंगे, कुछ लोग बोलते होंगे क्या कि मेरा दूरी खराब हो गया, यानी कि दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। तो उन लोगों को आप बताइएगा कि आपका दूरी खराब हो गया है, इसका मतलब आपको कौन सा दोष हो गया है? निकट दृष्टि दोष हो गया है, मायोपिया हो गया है। अब ध्यान दीजिए, इसमें इसके इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। देखिए, इसमें आप लोगों को कहाँ देखना है? दूर की वस्तु को देखना है, ठीक है। तो दूर की वस्तु देखने के लिए आप अपने चश्मे में उस लेंस का यूज़ करेंगे जो कि बीच में पतला हो, तभी तो प्रकाश उसको चीर कर दूर तक जाएगा, दूर की वस्तु को फोकस करेगा, तभी हम दूर की वस्तु को देख पाएंगे। तो वो लेंस जो बीच में पतला होता है, उस लेंस को क्या कहते हैं? उस लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। और इसीलिए जिसको भी निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है, वो अपने चश्मे में अवतल लेंस यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि वो बीच में पतला होता है और कुछ इस तरीके से होता है अवतल लेंस, ठीक है। तो वो अपने चश्मे में ये वाला लेंस डलवा लेगा, और अगर उसको दूर की वस्तु को देखना है तो ये चश्मा लगा लेगा और दूर की वस्तु को आराम से देख लेगा, ठीक। क्लियर बात। अब जरा दूर दृष्टि दोष को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। इस दोष में ना इंसान की आँख से दूर की वस्तु साफ साफ दिख जाती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ और क्लियर नहीं दिख पाते, इसीलिए इस दोष को बोला जाता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीकी खराब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखे होंगे कुछ लोगों को, जिनको बोला जाएगा अगर लीजिए ये मार्कर पर क्या लिखा है पढ़कर बताइएगा, तो क्या करेंगे? ऐसे दूर करेंगे, अच्छा इस पर कैमलिन लिखा है, मतलब उनका नज़दीकी खराब हो गया है, तभी वो दूर कर कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनका दूरी ठीक है। तो उनको आप लोग बताइएगा आपका नज़दीकी खराब हो गया है, और जब नज़दीकी खराब हो गया है तो आप लोगों को कौन सा दोष है? हाइपरमेट्रोपिया है, दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। तो अगर दूरदृष्टि दोष लिखा है तो नज़दीकी खराब, और अगर निकट दृष्टि दोष लिखा है तो दूरी खराब। अब देखिए, दूरदृष्टि दोष के इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना है? आप लोगों को नज़दीक की वस्तु को देखना है, तो आप अपने चश्मे में वैसा लेंस यूज़ करेंगे जो बीच में मोटा हो, ताकि प्रकाश उसको चीर कर दूर तक ना जा पाए, नज़दीकी में मिल जाए और हम लोग नज़दीक की वस्तु को भी फोकस कर पाए। तो वो लेंस जो बीच में मोटा होता है वो कहलाता है उत्तल लेंस। यानी कि जिसको भी दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है, उसके चश्मे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जो कि क्या होता है? बीच में मोटा होता है, कुछ इस तरीके से उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और वो इस चश्मे को लगा लेते हैं और नज़दीक की वस्तु को भी आराम से देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये भी इसमें पूछा जाता है कि इन दोनों दोष होने का रीज़न क्या है, क्या कारण है, क्यों होता है ये दोष, तो इसको भी समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण ये होता है कि इसका नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। इंसान के आँख का जो नेत्र गोलक होता है, आँख का गोला जो होता है, वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ये नॉर्मल आँख है, मतलब इस आँख में कोई बीमारी नहीं हुआ है, इसमें आराम से ये किरणें आ रही है समांतर, और इस तरह आकर इस रेटिना पर क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। ये क्या है? रेटिना है ये। इस पर आराम से, ये पर्दा होता है जिस पर इमेज बनता है, इस पर मिल जाती है और आराम से हम वस्तु को देख पा रहे हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग आराम से देख पा रहे हैं, क्योंकि ये रेटिना पर मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, आपका ये जो गोलक होता है, ये गोला जो है ये बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं, इसमें बड़ा बना दी हूँ। अब तो किरणें उतनी ही दूरी पर मिल रही थी, इतना पर दूरी पर मिल रही है ना, ये भी उतना ही दूरी पर मिलेंगी, बस
क्या हो गया है, यहाँ पर गोलक बड़ा हो गया है, गोला बड़ा हो गया है। मिल तो यहाँ पर उतनी ही दूरी पर रही है, यहाँ पर बस गोला बड़ा हो गया है, और गोला बड़ा होने की वजह से ये जो रेटिना है, ये रेटिना के आगे ही किरणें मिल जा रही हैं, और रेटिना के आगे ही आप लोगों का इमेज बन जा रहा है, प्रतिबिंब बन जा रहा है। और जब रेटिना पर बन ही नहीं रहा है तो हम वस्तु को देख ही नहीं सकते, क्योंकि वस्तु को देखने के लिए ज़रूरी होता है कि रेटिना पर इमेज बने, ठीक है। तो यहाँ पर रेटिना के आगे ही बन जा रहा है, इसीलिए हम नज़दीक की वस्तु को तो साफ साफ देख लेते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को क्या होता है, दिक्कत होता है, नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, इमेज रेटिना के आगे बनता है। और यहाँ पर देखिए फोकस दूरी घट जाती है, कैसे फोकस दूरी, आप लोगों को इतना चाहिए ना फोकस दूरी, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए आप लोगों को फोकस दूरी, लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी यहीं से लेकर यहीं तक हो जाती है, यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। इसमें बात करें दूरदृष्टि दोष में, तो दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है का मतलब क्या, आपका जो आँख का गोला होता है वो छोटा हो जाता है। देखिए नॉर्मल आँखें हैं जिसको कोई बीमारी नहीं हुआ है, इसमें किरणें जा रही थी इस तरह, और जाकर इस रेटिना पर क्या हो जा रही थी, मिल जा रही थी रेटिना पर, तो हम आराम से वस्तु को देख पा रहे थे। लेकिन देखिए क्या हुआ, मिल तो उतना ही दूरी पर यहाँ पर भी रही है, जितना दूर पर यहाँ पर मिल रही थी उतना ही दूरी पर यहाँ पर भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो आँख का गोला था यहाँ पर छोटा हो गया है, और छोटा होने की वजह से यहाँ पर रेटिना के पीछे किरणें मिल जा रही हैं, और मिलने की वजह से रेटिना के पीछे इमेज बन जा रहा है, और रेटिना पर बन ही नहीं रहा है, इसीलिए हम जो वस्तु जो नज़दीक में रखी रहती है हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज रेटिना के पीछे बन जा रहा है, और फोकस दूरी बढ़ जाती है। देखिए फोकस दूरी कितना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए फोकस दूरी, लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे समझते हैं। अब जरा तीसरा दोष समझ लीजिए, जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष, इसको जरा दूरदर्शिता भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ये दोष ना सिर्फ बूढ़े लोगों में होता है, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनका उम्र ढल चुका है, उन लोगों में ये दोष होता है। देखिए इसमें क्या होता है, निकट व दूर दोनों जगह की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देती है, यानी कि इसका नाम ही है जरा दृष्टि दोष। जरा सा नज़दीक दिखेगा, जरा सा दूर दिखेगा, जरा जरा दिखेगा, क्लियर कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, जरा दृष्टि दोष। अब देखिए इसके इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो दोनों जगह की वस्तु नहीं दिख रही है, तो अब तो इसमें दो दो लेंस, दो दो चश्मे लेकर घूमने पड़ेंगे। अगर दूर की वस्तु देखना होगा तो दूर वाला चश्मा लगा लो, नज़दीक की वस्तु देखना होगा तो नज़दीक वाला चश्मा लगा लो। तो फिर यहाँ पर आ गई दिक्कत, हम दो दो चश्मे लेकर क्यों घूमें भाई, तो इसमें दिमाग लगाया गया और एक ही चश्मे में दोनों जगह की वस्तु को देखने वाला लेंस डाल दिया गया। आप लोग बूढ़े लोगों का चश्मा देखिएगा, इस तरह होता है कुछ, और इस तरह कर कर रहता है। इस चश्मे में ना दोनों लेंस डाल दिया जाता है, और आप बताइए दूर देखने वाला लेंस कौन सा लेंस है, जो बीच में पतला हो वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। नज़दीक देखने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, जो बीच में मोटा हो, और वो क्या है, उत्तल लेंस। तो बूढ़े लोगों का चश्मा को टच कर कर देखिएगा, नीचे वाला जो भाग होता है ना, ये चश्मे का दो भागों में बांटा गया रहता है, नीचे वाला भाग मोटा होता है और इसको बोला जाता है उत्तल लेंस, ठीक है, और ऊपर वाला भाग कौन सा होता है, अवतल लेंस, जो कि पतला होता है, ठीक है। अब बताइए उत्तल लेंस है तो इससे नज़दीक की वस्तु दिख जाएगी, क्योंकि ये मोटा होता है बीच में, तो नज़दीक की किरणें मिल जाएंगी, नज़दीक की वस्तु को फोकस कर लेगा, और अवतल लेंस पतला होता है, दूर की वस्तु उससे दिख जाएगी। तो इसमें दोनों लेंस डाल दिया गया ना। अब क्या करते हैं बूढ़े लोग, वो चश्मा पहन लेते हैं, नज़दीक देखना होता है तो नीचे वाले से देखते हैं, दूर देखना होता है तो ऊपर वाले से देखते हैं। देखते हैं वो लोग अखबार या फिर मोबाइल देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो नीचे वाले से इस तरह पढ़ते हैं, इस तरह कर कर पढ़ते हैं, और जब ऊपर दूर देखना रहता है, आप जाकर खड़े हो जाइए तो आपको ऐसे देख लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, दोनों एक ही लेंस में दोनों जगह की वस्तु को फोकस करने वाला लेंस डाल दिया गया है, दूर को भी और नज़दीक दोनों जगह की वस्तु को फोकस करने वाला लेंस एक ही चश्मे में डाल दिया गया है, और इसीलिए इस लेंस को बोला जाता है द्विफोकसी लेंस, दो जगह को फोकस करने वाला लेंस, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, क्लियर बात। और बूढ़े लोग यही चश्मा पहनकर खुश हो जाते हैं, उनका ये इलाज हो जाता है, ठीक। आगे देखिए आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या है, ये भी वृद्धावस्था यानी कि बूढ़े लोगों में ही होती है, 50 साल के बाद हो जाता है या 50 साल के आसपास के लोगों को हो जाता है ये मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है, जो आँख का लेंस होता है
अभिनेत्र लेंस, आँख के लेंस को दो तीन नाम दिया गया है। अभिनेत्र लेंस भी बोला जाता है, नेत्र लेंस भी बोला जाता है, क्रिस्टलीय लेंस भी बोला जाता है, उत्तल लेंस भी बोला जाता है। आपको जो मन करे वो बोलिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ अभिनेत्र लेंस, तो ठीक है। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? जो आँख का लेंस होता है ना, वो दूधिया हो जाता है और धुंधला हो जाता है, जिससे हम कोई भी वस्तु को देखते हैं ना, वो धुंधला दिखाई देता है, और उसके साथ साथ धुंधला के साथ साथ एक से ज़्यादा वस्तु दिखाई देगा, यानी कि एक एक कोई वस्तु रहेगा ना, उसका डबल या ट्रिपल दिखाई देने लगेगा। तो आप लोग अब इसमें धोखा मत कर दीजिएगा, जिसको मोतियाबिंद हो गया है उसको 500 रुपये का नोट देकर ये मत बोलिएगा कि 200 500 रुपये का नोट दिया हूँ, ठीक है। उनको धोखा नहीं देना है। तो यहाँ पर मोतियाबिंद में क्या हुआ, धुंधला वस्तु दिखने लगा और डबल दिखने लगा, उसके साथ साथ तो जो लाइट भी जलता है ना, लाइट भी डबल दिखने लगता है। वो कहीं रोड पर जाएंगे रास्ते में, तो गाड़ी कार आएगी जाएगी, उसमें का जो लाइट जलेगा ना, तो वो भी क्या होता है, डबल दिखाई देने लगता है, ठीक है। और मोतियाबिंद जिसको अभी शुरुआती स्टेज है, अभी उनका स्टार्ट हुआ है मोतियाबिंद, उनको कम हल्का हल्का धुंधला दिखाई देगा, और जिसको ज़्यादा मोतियाबिंद हो गया ना, उसको पूरा धुंधला दिखाई देगा। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। मोतियाबिंद का इलाज के लिए क्या होता है, मोतियाबिंद का इलाज होता है ऑपरेशन। जिसको अभी मोतियाबिंद का स्टार्टिंग है, वो अभी ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। जिनको बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिखने लगता है, वो ऑपरेशन करवाते हैं। क्या किया जाता है ऑपरेशन में, जो आँख का लेंस होता है उसको हटा दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है, ठीक है। इसी वजह से वो पहले के जैसा देखने लगते हैं, ठीक है। और नॉर्मली जिसको अभी शुरुआत हुआ है मोतियाबिंद, वो तो आँख में दवा डालकर और चश्मे पहनकर वो देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात, लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट। तो यहाँ तक दृष्टि दोस्त समझ में आ गया। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोग हमसे पूछे थे कि धूप में जाने पर आयरिस क्यों सिकुड़ जाता है और कमरे में आने पर आयरिस क्यों फैल जाता है। तो देखिए, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, ये जो हम लोगों का आँख होता है ना, आँख, यहाँ पर मैं आँख बन रही, ये हम लोगों का आयरिस है, यही फैलता और सिकुड़ता है। ये जो रेटिना होता है ना आँख का, अगर इस पर ज़्यादा प्रकाश चला जाएगा ना, ये रेटिना, ये पर्दा है, समझिए, आँख का पर्दा, स्क्रीन जिस पर इमेज बनता है, इस पर अगर ज़्यादा लाइट चला जाएगा तो ये रेटिना ख़राब हो जाएगा। जब हम लोगों का पर्दा ही स्क्रीन ही ख़राब हो जाएगा, तो हम वस्तु को देख कैसे पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए प्रोजेक्टर से पर्दे पर हम लोग चला रहे हैं, तो वो जो पर्दा है जिस पर ये प्रोजेक्टर का वीडियोस चल रहा है, वो पर्दा ही ख़राब रहेगा तो वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगर ज़्यादा प्रकाश चला जाएगा इस रेटिना पर और ये रेटिना ख़राब हो जाएगा, तो हम लोग आँख से उतनी अच्छे से नहीं देख पाएंगे, उतना HD और क्लियर नहीं देख पाएंगे। इसलिए जब भी आप लोग धूप में जाते हैं ना, तो ये जो आयरिस होता है ये सिकुड़ जाता है, ताकि इस रेटिना पर ज़्यादा लाइट ना जा पाए, क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा किरणें होती हैं और इससे किरणें ज़्यादा ना जा पाए, इसीलिए ये आयरिस क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। और जब आप लोग कमरे में आते हैं तो ये आयरिस धीरे धीरे फैल जाता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि कमरे में तो ज़्यादा धूप है नहीं, तो इसलिए फैल जाता है और ये रेटिना ख़राब ना होने के लिए फैलता और सिकुड़ता है। क्लियर बात यहाँ तक। ये आयरिस सिकुड़ने का तो अचानक सिकुड़ जाता है, देखते हैं आप नॉर्मली इधर उधर देखते रहते हैं और अचानक कोई आपकी आँख पर लाइट जला दे तो आप अचानक बंद कर लेते हैं आँख, उस वक्त आप लोगों का आयरिस अचानक सिकुड़ जाता है, ताकि जो आप लाइट आँख पर आया है वो बहुत ज़्यादा रेटिना पर ना जा पाए, हम लोग की आँख के अंदर रेटिना पर ना जा पाए, नहीं तो रेटिना ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और अचानक सिकुड़ जाता है, लेकिन फैलने के लिए धीरे धीरे फैलता है, इसीलिए हम लोग को हल्का हल्का साफ दिखाई देता है, धीरे धीरे साफ दिखाई देता है, ठीक। बात क्लियर यहाँ तक। इसी तरह वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।